फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेतल क्राफ्टी। आज हम बनाएंगे हैंगिंग, वो भी इतने से पीस में से। तो चलो शुरू करें। पहले हमें इस तरह से चार सर्कल बना देना है। आप चाहिए तो दो का भी पीस कर सकते हो। तो चलो शुरू करें। पहले हमें इसे कट कर देना है। इस तरह से हमें दो सर्कल कट कर देना है। फिर हम इस तरह से दूसरा भी कट कर लेंगे। ये दो मैंने कट कर दिया, अब और दो हमें कट करना है हैंगिंग के लिए। अब हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें थोड़ी सी जगह रख देनी है। और सर जब भी हम सर्कल वाला कुछ भी शेप का करते हैं तो हमें इस तरह से कट देना पड़ता है। सो इस तरह से सर्कल पर हमें कट करके हमें यहाँ से सीधा कर देना है। इस तरह करने के बाद हमें एज सिलाई करनी है। फिर हमें दूसरे को भी उसी तरह से सिलाई करके कट कर देना है। यहाँ से हम सिलाई लेकर यहीं तक ही करेंगे। फिर हमें इसे भी इस तरह से जगह में से हमें सीधा कर देना है। इस तरह से हम किसी भी चीज की मदद से सीधा कर सकते हैं। फिर हमें इसे इस तरह से अंदर रखकर सारे बाजू पे एज मशीनिंग कर देना है। इस तरह से हमारे दो सर्कल रेडी हो गए। अब हमें बीच में से थोड़ा सा कट कर देना है। उसी तरह से दूसरे सर्कल में भी हमें इस तरह से छोटा सा कट कर देना है। फिर हमें इस तरह से डोरी को अंदर डालने के बाद, सर्कल में से आर पार करने के बाद, हमें यहाँ पे भी एज मशीनिंग कर देना है। फिर हमें इस तरह से यहाँ पे एज मशीनिंग कर देना है। दोनों और होने के बाद हम इस तरह से बीच में भी लेंगे। इस तरह से अब हम वापस ये दोनों ओर से भी प्रेस करके एज मशीनिंग कर देंगे। और ये हमारा हो गया फ्लावर हैंगिंग। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी करेंगे। पहले हमें, अगर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर भी कर सकते हैं, फिर हम इन दोनों के बीच में से भी सिलाई ले लेनी है। फिर हमें इस तरह से डोरी अंदर आर पार होने के बाद हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। उसी तरह से हमें सेम करना है, पहले इधर फिर इधर। फिर हमें इन दोनों के बीच में, हमें
वापस इस इन दोनों के बीच में ले लेना। ये हमारा हो गया फ्लावर लटकन। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।